तो ऐसे ही है जी, जैसे आप सर्दी में गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं अच्छा। और काफ़ी अच्छी जगह, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, जी जी तो अगर इस प्लेस को आप थोड़ा और साफ़ सुथरा और टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से बनाएं तो इट्स इतना वेरी मजे नाइस। ना टेस्ट है कि इतना जरा असं घर ने भी अंडा उबालने ना, अच्छा, इतना टेस्ट उस अंडे बिच नहीं होना। अच्छा जरा एक कुदरती गर्म पानी की वजह तो मिकी टेस्ट आया इसने अंदर। अच्छा अगर तुम इजाजत दियो तो जितने भी अंडे हैं सारे तकलीफ है बहुत ज्यादा पठियां नु दर्द है बस एक महसूस किया, बहुत अच्छा महसूस किया जी। अच्छा हाँ जी, बड़ा मजा आया है। बड़ा मजा आया जी, अल्लाह ताला दी कुदरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसन अपना चैनल पहाड़ी न्यूज़, तुसन अपना मेज़बान तारिक अंजम मुगल, एक और तारीखी जगह पर तुसानी खिदमत हाजिर। नाज़रीन इसलिए अस मौजूद हाँ जिला कोटली तत्ता पानी ने मकाम पर। तत्ता पानी, तुसा तत्ता पानी ने ना तो सुनिया हो सी, लेकिन बेशुमार साढ़े नाजरीन ने जिन्हें कि पता ना हो सी कि तत्ता पानी की आखने। अज असा तुसा की दसने हैं कि तत्ता पानी की तत्ता पानी की आखने। नाजरीन ए या दरिया पुंछ, क्योंकि इस दरिया ना ज़्यादातर हिस्सा मकबूजा कश्मीर ने शहर पुंछ विचों अछना, इस वास्ते इसकी दरियाए पुंछ आखने। आज़ाद कश्मीर मौजूद एक मशदाना शहर कोटली तो तकरीबन 22 किलोमीटर दूर इस दरिया ने किनारे एक शहर आबाद आ जिसकी तत्ता पानी आखने। इस शहर ना ना इस शहर ने मौजूद कुदरत ने एक शाहकार चश्मे की वजह तू आ जिसना पानी इतना सख्त गर्म आ कि उसकी हाथ लाने ने नाल ही हाथ सड़ी जाना। अछने वाले लोग इसकी तजर्बे ने तौर पर अंडे उबालने नज़र अछने। नाजरीन इस चश्मे ने पानी जड़ा भाप उड़ाना, इस गर्म भाप कि जोड़ा ने मरीज़ किन्ने जिसनी वजह तो वह काफ़ी हद तक अफाका महसूस करने। इस चश्मे ने किनारे खड़े हुई तो गंधक नहीं वाजिया बो भी महसूस होनी। नाजरीन सर्दियाँ होने ने नाल ही लोग तो सियाह बड़ी तादाद तत्ता पानी शहर ना रुख करने, गुसल करने, कपड़े धोने ने नाल नाल अंडे भी उबाली तो खाने। तत्ता पानिया ना ये गर्म पानी गर्म होने ने नाल नाल अपने अंदर बेशुमार बीमारियाँ नहीं शिफा भी रखना, इससे वास्ते इसकी आबे शफावी आखने। अस्सलाम वालेकुम बहन जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं इस्लामाबाद से आई हूँ, लेकिन मैं जॉब दुबई में करती हूँ। दुबई में जॉब करती हैं माशाल्लाह। और फैमिली को विजिट करने के लिए आई तो उन्होंने मुझे बोला कि बहुत प्यारी जगह है, कश्मीर जाना चाहिए। कश्मीर वाकई जन्नत नज़ीर है और काफ़ी हमने इंजॉय किया मौसम को भी, और स्पेशली ये जो जगह है तत्ता पानी, इज़ वेरी नाइस प्लेस। अच्छा तो ये कैसा लगा आपको गर्म चश्मा देख के, आपको कैसा क्या फील किया आपने? ये तो ऐसे ही है जी, जैसे आप सर्दी में गर्मी को एंजॉय कर रहे हैं अच्छा और काफ़ी अच्छी जगह, लेकिन मैं थोड़ा सा, क्योंकि हम हमारा इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है जी तो अगर इस प्लेस को आप थोड़ा और साफ़ सुथरा और टूरिस्ट अट्रैक्शन के हिसाब से बनाएं तो इट्स वेरी नाइस प्लेस। जो हमारा कंट्री है ना, इट्स फुल ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, लेकिन सिर्फ ये होता है कि यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं आपको मिलती हैं उस हिसाब से ना, जैसे आपको सेफ्टी सिक्योरिटी एंड फैसिलिटीज़। अगर ये चीज़ें इम्प्रूव हो जाएं तो मैं समझती हूँ हमारी जगह यूरोप से भी ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इम्प्रूव करने की ज़रूरत है जी। बहुत शुक्रिया, वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं जी हम आपको, तो बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इन्होंने कहा कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, बिल्कुल इन्होंने बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा है कि इन्होंने हमें इशारा दिया है। कुत्थों आए हो तुसों? मैं फारवर्ड कोटे थी आई हूँ। फारवर्ड कोटे थी आए हो, इतना तत्ता पानी क्यों आए हो? ए जोड़ा नु तकलीफ है बहुत ज्यादा, पठिया नु दर्द है, बस एक सुनिया शफा हो। अच्छा तो इस पानी नाल क्या करने हो? पानी नाल लाने हो, गुसल करने हो, क्या करने हो? पानी गुसल भी किया ने, वो कमरे लेके टपा भी बैठे हैं नाल, हूं बाप भी ले रहे हैं। कदों आए हो तुसा? असा कल दे आए ने। क्या कोई फर्क महसूस करने हो? हां थोड़ी नरमी बहुत ज्यादा नरमी हुई है। हां नरमी हो गई, हुन अल्लाह दर्दां दी शफा, अल्लाह अल्लाह शफा देने वाला, अल्लाह शफा दुआ करो, अल्लाह दी शफा, अल्लाह शफा देने वाला, अल्लाह शफा। इस वक्त ठीक बेहतर में लग, यानी बेहतर महसूस कर रहे हो? हां बेहतर महसूस जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाई, आप कहां से आए? हम इस्लामाबाद से आए। इस्लामाबाद से आए माशाल्लाह, तो आप क्या सोच के क्या सुन के यहां आए हैं? सर ये मेरी पाकिस्तान में वन ऑफ माय फेवरेट प्लेस, और काफ़ी साल पहले तकरीबन 10-12 साल पहले मैं यहाँ पे दोस्तों के साथ आया था। हमारे बड़े मोहतरम उस्ताद हैं, वो इसी इलाके से बिलोंग करते हैं, हमें वो यहाँ पे लेके आए थे। और मेरा ख्वाब था कि मैं उस वक़्त अकेला आया था और मैं अब अपनी फैमिली के साथ भी जाऊँ। दूसरे हम एरियाज़ में तो जाते रहते हैं, लेकिन हमने कहा कि जी यहाँ पे भी जाएं, और ये खूबसूरती दुनिया में वाहिद है, पाकिस्तान में भी वाहिद है, क्योंकि यहाँ पे आपको गर्म पानी का चश्मा मिलता है।
और इसकी खूबसूरती ये है कि जितनी मर्ज़ी सर्दी हो ये जगह आपको हमेशा गर्म मिलेगी। तो हम यहाँ पे आए हैं, हम बंजूसा झील भी गए हैं। बंजूसा झील फ्रीजिंग थी, वो भी बच्चों ने बहुत इंजॉय की है। और आज सुबह हम तत्ता पानी आए हैं और वो भी बड़ा हमें अच्छा लग रहा है। हम बेशक नहाने के प्रोग्राम से नहीं आए, लेकिन अगली दफ़ा हम फिर आएँगे इस तैयारी से कि हम नहा भी सकें। और अब हम यहाँ से जाएंगे तौली पीर और गंगा चोटी बाग में। जी बहुत शुक्रिया, वेलकम जी, हम आपको वेलकम कहते हैं कश्मीर में। बेटा क्या नाम है आपका? सिमोन। सिमोन कैसी हो आप, और पहली बार आई हो कश्मीर? जी तो कैसा लगा आपको? अच्छा। अच्छा तो ये पानी आपने देखा है, गर्म पानी निकल रहा है? जी। कैसा लगा आपको? अच्छा। हाँ तो फिर भी आप आएंगी, आइंदा दोबारा आएंगी यहाँ? जी। अच्छा 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 जी, आपका नाम क्या है जी? स्टीवन। शाबाश, तो आपको कैसा लगा ये आज़ाद कश्मीर? अच्छा। अच्छा लगा। अच्छा तो गर्म पानी देखा है, गर्म पानी में गुस्ल किया है? यस। हाँ यस, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, तुसाना क्या नाम है, कुत्थों आए हो? सर पंजाब तो आए हैं, पाक पतन शरीफ तो। पाक पतन शरीफ तो? हाँ जी, साहिवाल तो अगे। अच्छा अच्छा अच्छा, पाक पतन शरीफ तो। इत्थे साडे बुजुर्गां दा हुंदा उरस। अच्छा। 31 तरीक नूं गुलार शरीफ ते उत्थे आया, तो उत्थे बुजुर्गां ने कहा कि तुसी तत्ता पानी जो तो ज़ियारत करके आओ। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी इस तत्ता पानी ना ना सुनिया ना सी पहले? हाँ जी हाँ जी, पहले ना सुनिया सी। अच्छा। उपर बुजुर्गां दा मस्जिद भी बनी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। ते तुसा इस पानी ने बारे च तुसा क्या है कि इत्थे कोई जोड़ा छोड़ा ना दर्द होया ते आनी अल्लाह ताला शिफा? हाँ जी, इस तरह ही सुनिया, इस वास्ते असीं इत्थे आए हैं। अच्छा। कहंदे ने कि जी एक कैमिकल पहाड़ है कोई, इन्दे जो पानी गर्म निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है, ते उन्दे नाल कोई शफा होंदी नाले कुदरती तौर ते अल्लाह ताला, अल्लाह ताला शफा देने वाला है। अल्लाह ताला अगर शफा दे ते कुछ भी उस वास्ते बड़ी चीज नहीं है। तुसा इत्थे आके क्या महसूस कीता? बहुत अच्छा महसूस कीता जी। अच्छा अच्छा जी, बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया जी, अल्लाह ताला दी कुदरत है, अल्लाह ने माशाल्लाह क्या बात है। नाज़रीन असा इस गर्म चश्मे अंडे रखे से, उन्हें भाई और अंडे कटसन ते उन असा चेक करसा जी के वाकई अंडे उबले या नहीं उबले। भाई जी कड्ढो अंडे वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब ये जी ओरिजिनल गल है ना, ये अंडा थोड़ा जहा टाइम इतना ज्यादा मंगना, ये असं तकरीबन 15 मिनट अंडे रखे। अच्छा। अंडा हवल हो ही चुका, अगर असं सर इसी 30 मिनट रखसा ना तो अंडा इंशाल्लाह पक्की भी जासी। तो जिस तरह असं कोई बास बंदे हाफ वाले अंडे ज्यादा पसंद करने, तो फिलहाल अंडा जरा हाफ वाल ही होया। तो ये मैं तुसने सामने इंशाल्लाह इसी खासा, तो मज़ा भी इसी, तो इस अंडे ने टेस्ट मुझे लगना कि ज़्यादा फायदा हो सी। सर इतना मज़े ना टेस्ट है कि इतना जो घर ने भी अंडा उबालने ना। अच्छा अच्छा, इतना टेस्ट उस अंडे में नहीं होना। अच्छा। जड़ा एक कुदरती गर्म पानी की वजह तो मिकी टेस्ट आया इसने अंदर। अच्छा। अगर तुम इजाजत दियो तो जितने भी अंडे हैं मैं सारे पी सकता। अच्छा बिल्कुल, इतना इसी मज़ा आ रहा, इतना टेस्ट आ रहा कि इसने अंदर एक जेन्युइन टेस्ट है। असं इतना तक कि बेशुमार लोग और पाकिस्तान तो लोग अच्छे, पंजाब तो लोग अच्छे, इतना बेशुमार यानी लोग अच्छे, तो क्या उस तरह ने लोग जितने लोग अच्छे साढ़े इतने साढ़े मेहमान होने उन्हें की उस तरह की स्हूलत भी हैं मिलनी? सर स्हूलत कोई नहीं, मतलब तक्की किनो सामने तुमने कूड़ा क्रिकेट फेंकने वास्ते कोई डस्टबिन मिकी तो नहीं इतने नज़र आई कोई, मतलब इस तरह की स्हूलत नहीं हैं। अच्छा। जिस तरह असं तौली पीर जाने, बंजोसा जाने, मतलब उत्थे स्हूलत हैं, पुल लगे ने, सीटा लगी नहीं, इधर भी नज़दीक तरीन भी होनी चाहिए, पार्क तो अलावा अलावा भी इतने मतलब मामला सारे, जिस तरह सेम पार्क के अंदर डस्टबिन लगी नहीं, सीटा लगी नहीं, इसने नज़दीक तरीन भी लोग बड़ा इंजॉय करने, पब्लिक आनी दूर दूर तू सियाहत आने, और उन्होंने इतना जरूरत है। सारे वजीर आजम सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब भी इस इलाके ना तल्लुक रखते हैं, उन्हें कोई मैसेज कोई पैगाम जी? बिल्कुल, उन्हें जनाब गुजारिश करने हैं कि जनाब इतना कोई थोड़ा जहा नजर आसानी होनी चाहिए, और हाँ जी थोड़ी जी तवज्जो देने की जरूरत है, ताकि इतना सीटा भी लगी जान, डस्टबिन भी लगी जान, तो और थोड़ा जहा सियाहत ने जो सिलसिला होना वो भी थोड़ा जहा इसने पर गौर फिक्र किया जाए, तो जनाब मेहरबानी की जाए।